इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमें आफताब और उसकी पुत्री है उसकी हमें वर्तमान आयु नहीं दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे दोनों की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने आंसर में कि माना आफताब की वर्तमान आयु, और इसमें हम आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, इसमें हम मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु x, ठीक है। इसी तरह से जो उसकी पुत्री है उसकी भी आयु को मान लेते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे माना पुत्री की वर्तमान आयु, और इसमें हम पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, ये हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमें इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो इसमें आफताब और इसकी पुत्री है दोनों की अब हम 7 वर्ष पहले की आयु लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी x-7, यानी कि देखिए आफताब की वर्तमान आयु x है, तो अगर हम x में से 7 वर्ष घटा देंगे तो उसकी 7 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो हमें उसकी 7 वर्ष पहले की आयु निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वर्तमान आयु में से 7 वर्ष को घटा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। ऐसे ही जो उसकी पुत्री है उसकी भी हम 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पुत्री की आयु क्या होगी 7 वर्ष पहले की, तो जो उसकी वर्तमान आयु है यानी कि y, इसमें से हम 7 वर्ष घटा देंगे, तो ये इसकी पुत्री की आ गई 7 वर्ष पहले की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें आफताब की आयु है यानी कि x-7 और जो ये उसकी पुत्री की आयु है y-7, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो इसमें 7 वर्ष पहले आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी ज्यादा आयु का था, यानी कि ये जो है ये इससे 7 गुनी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 7 गुना है ये। तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इधर भी यानी कि उसकी पुत्री का जो आयु है उसमें भी 7 से गुणा कर देना होगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x-7 हो गया बराबर में 7 का y से गुणा होगा तो 7y, और 7 का -7 से गुणा होगा तो -49, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा x, यहाँ पर हमारा ये प्लस का 7y है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, ये बराबर में ये -49 है और ये -7 है, तो ये हमारा -49 इधर आ गया और -7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो गया, तो यहाँ पर हमारा x-7y बराबर क्या आ गया, -49 + 7, -++, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -42, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर समीकरण आया है इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हमारा था पहला कंडीशन, अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे कंडीशन की, यानी कि प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर हम 3 वर्ष बाद का यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 3 वर्ष बाद जो है वो आफताब की आयु क्या हो जाएगी, तो उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो देखिए अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वर्तमान आयु है इसमें हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है, तो x+3 हो गया। इसी तरह से उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो इसमें भी हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा y+3। तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है।
अब देखिए जो इसमें हमारा आफ्ताब है यानी कि आफ्ताब की जो आयु x प्लस तीन है और जो इसकी पुत्री की आयु y प्लस तीन है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा है कि जो तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु का तीन गुना है, यानी कि ये जो है इससे तीन गुना है। तो हमें दोनों को तरफ बराबर करने के लिए इधर भी तीन से गुणा करना होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा x प्लस तीन बराबर में तीन का वाई से गुणा करेंगे, तीन वाई प्लस तीन तिया नौ। अब देखिए ये हमारा x, ये प्लस का तीन वाई इधर जाएगा तो माइनस तीन वाई बराबर में ये नौ, और ये प्लस का तीन इधर जाके माइनस तीन हो जाएगा, तो नौ में से तीन माइनस करेंगे तो छः आ जाएगा। ये हमारा जो है दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो ये हमारा इस तरह से बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को जो हमारे बीजगणितीय रूप में आए हैं इनको हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला क्या आया है, ये आया है x माइनस सात वाई बराबर में माइनस बयालीस, और दूसरा क्या आया है, ये आया x माइनस तीन वाई बराबर में छः। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हो गया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में दिखा दिया, अब हमें आगे इसमें कहा है कि ग्राफीय रूप में भी हमें दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको ग्राफीय रूप में कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो देखिए हमसे आगे कहा गया है अब कि ग्राफ पर दिखाने के लिए यानी कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास ये दो समीकरण आए हैं इन दोनों के हम क्या करेंगे कि कम से कम दो दो हम इन दोनों के पॉइंट्स यानी कि बिंदु ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो उस पर जो हमारा रेखा खींचा जाता है तो किसी भी रेखा यानी कि लाइन को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं से हमारा एक लाइन खींचा जाता है, तो इसलिए जो हमारा ये समीकरण है इनके हम कम से कम दो बिंदु सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप दो से भी ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम हमें दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो पहला समीकरण है इसके दो बिंदु हम निकालेंगे, जिसे हम निर्देशांक भी कहते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमारा इसमें क्या है, ये हमारा है x माइनस सात वाई बराबर में माइनस बयालीस। तो हम इसके बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं ये आप पिछली कक्षाओं में भी सीख चुके हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं, और इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले एक हमारा इसमें x और दूसरा y होता है। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान खुद से मानते हैं और दूसरे का मान हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाता है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि x का मान मान लेते हैं जीरो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x जो है उसकी जगह पर जीरो रखेंगे, तो ये हमारा जीरो माइनस सात वाई बराबर में माइनस बयालीस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिखने का कोई फायदा है ही नहीं, तो इसको हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान निकालेंगे, सबसे पहले ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा सात वाई बराबर बयालीस बचा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये बयालीस, ये सात इधर आके भाग में हो गया, तो सात एकम सात, सात छः बयालीस, यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया, छः। ठीक है, तो हमने x बराबर जीरो रखा तो y का मान छः आ गया। इसी तरह से एक बार अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम y का मान मान लेते हैं, हमने यहाँ पर पहले x का मान माना था अब y का मान मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस बार क्या करेंगे कि y का मान मान लेते हैं इस बार हम आठ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आठ मान लिए हैं। अब देखिए इसी समीकरण में अब हम y का मान आठ रख देंगे, तो सबसे पहले x है तो x लिखा माइनस सात, और y का मान हमने आठ माना है बराबर में माइनस बयालीस। तो यहाँ से देखिए x ये माइनस सात का आठ से गुणा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा छप्पन बराबर में माइनस का बयालीस, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस बयालीस, ये माइनस छप्पन इधर जाके प्लस का छप्पन हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, चौदह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x का मान चौदह हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पहला समीकरण है उसके हमने यहाँ पर दो बिंदु ज्ञात कर लिया। अब हम इसी तरह से जो ये हमारा दूसरा समीकरण है इसके भी दो बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें दूसरा समीकरण क्या है, ये है x माइनस में तीन वाई बराबर में छः।
तो देखिए इसका हम यहाँ पर इस तरह से टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये x का और ये y का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं y का मान, यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान 0। अब ये x का x आ जाएगा माइनस ये 3 और y की जगह पे 0 बराबर में 6। अब देखिए ये x, अब माइनस 3 का जब आप 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 ही आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो हमारा x बराबर में क्या रह गया, 6। तो इसलिए जब हमने इस समीकरण में y का मान 0 माना तो x का मान क्या आ गया, 6। अब इसी तरह से हम दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम y का मान मान लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x का x लिखेंगे माइनस 3 और y का मान हमने 2 माना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर में 6। तो देखिए x माइनस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 हो गया बराबर में 6। तो x का मान क्या आ गया, माइनस 6, ये हमारा इधर जाके प्लस का 6 हो गया, तो x आ गया हमारा 12। यानी कि हमारा x का मान क्या आ गया, 12, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों के दो दो हमने यहाँ पर बिंदु ज्ञात कर लिया। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जो हमने लिखा है इसको मिटा देते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक ग्राफ ले लेना है और हमें एक इस तरह से x अक्ष बना लेना है और इस तरह से एक y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर हमारा y होता है और नीचे y डैश, यहाँ पर x डैश होता है और यहाँ पर x, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जैसा कि पता है कि ये हमारा 0 यानी कि मूल बिंदु होता है। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये पहला वाला समीकरण है इसको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो इसके हमारे दो बिंदु ये आए थे 0 6 और 14 8 वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला बिंदु यानी कि 0 और 6 वाला दिखाएंगे। तो देखिए 0 और 6 का बिंदु हमारा इस ग्राफ पर कहाँ आएगा, हमारा इसमें x क्या है, 0। तो 0 हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर और y कितना है, 6। तो देखिए y का 6 हमारा यहाँ पर आएगा, यानी कि ये जो है ये हमारा पहला बिंदु हो गया, ठीक है, इस पहले वाले समीकरण के लिए। अब इसके बाद दूसरा बिंदु क्या है हमारा, ये है 14 और 8 का, यानी कि x इसमें हमारा 14 है और y का 8 है। तो देखिए x का हम देखेंगे सबसे पहले 14 ये रहा और y का 8 हम देखेंगे ये रहा, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला बिंदु, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला और ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा रेखा है यही इस समीकरण का है, यानी कि इस रेखा पर हम लिख देंगे हमारा जो समीकरण है x माइनस में 7y बराबर में माइनस 42। और जो हमारा ये वाला बिंदु है ये कौन सा बिंदु था, 0 और 6 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और 6, क्योंकि जो इसमें हमारा x है वो पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में। और जो ये दूसरा बिंदु है ये हमारा कौन सा है, तो ये है 14 और 8 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है पहला समीकरण का इस तरह से ग्राफ बन गया। अब हम करेंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए। तो देखिए दूसरा वाला समीकरण हमारा ये है और इसके दो बिंदु हमने यहाँ पर इस तरह से निकाले हैं, ठीक है। पहला बिंदु हमारा क्या है, 6 और 0 का। तो सबसे पहले x इसमें हमारा 6 है, तो x का 6 देखेंगे ये रहा, ठीक है, और y का कितना है, 0। तो y 0 हमारा इसी पे आएगा, यानी कि यहीं पर हमारा पहला वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 12 और 2 का, यानी कि x का 12 देखेंगे तो हमारा x का 12 ये रहा और y का 2 है, तो y का 2 हमारा यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा बिंदु हमारा ये हो गया। अब ये हमारे दोनों बिंदु पता चल गए। अब दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से खींच लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा रेखा। अब जो हमारा इसका समीकरण है वो हम लिख देते हैं, क्या था इसका समीकरण, x माइनस में 3y बराबर में 6। आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर भी इस रेखा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया। और जो हमारा ये वाला बिंदु है ये कौन सा बिंदु था, 6 और 0 का, ठीक है। और दूसरा ये वाला बिंदु हमारा 12 और 2 का था।
तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफीय रूप बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफीय रूप है और जो हमारा बीजगणितीय रूप है वो ये रहा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर एक का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।